मेरा मंडे ऑफ होता है तो पेपर के लिए ही आना पड़ेगा मुझे। मेरी ग्रेजुएशन की ड्यूटी लगा दी उन्होंने, एक फर्स्ट स्लॉट में है तो सिक्स स्लॉट में छुट्टी वाला दिन भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ कर दो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऑनलाइन आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ज्यादा तेज नहीं हो गया आवाज? हाँ जी क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएगा? जी मैम। अच्छा ठीक है, एक दफा मुझे बता दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि आवाज आ रही है। फिर सुनना नहीं सुनना वो आप लोगों की मर्जी, आदत तो सोए रहे हो। पेपर की तैयारी कैसी हो रही है? परसों पेपर है शायद आप लोग ट्यूजडे को। पहले मस्कोस करेक्टर की तैयारी कर लेनी थी ना, जब टाइम नहीं है इतना कि रात को बैठ के मस्कोस करेक्टर करोगे। अगले दिन फर्स्ट स्लॉट में ही है, सेकंड स्लॉट में। अभी ये डेशिप वाले जो है ना, डेशिप बनाने वालों के ऊपर है वो किस तरह डेशिप बनाते हैं, वो सारा कुछ होता है। हमारी अपनी ड्यूटी इतनी गलत गलत लगाई हुई है, हम कुछ कह नहीं सकते। और पेपर भी इसी तरह उन्होंने गलत गलत टाइप पे रखे हुए। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे भी। अच्छा आज का हमारा टॉपिक है मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। हम लोग अभी तक बड़े रीजन सारे कंप्लीट कर चुके हैं, जिस तरह मैंने बताया था छोटे रीजन रह गए। दे आर नॉट सच इम्पोर्टेंट बिकॉज ये वाले रीजन ज्यादातर एमआरआई के लिए या फिर हम लोग एक्सरेस के लिए ही इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉलो अप और इनका रखते होते हैं। अल्ट्रासाउंड इनकी कमी की जाती है, ठीक है? इस वजह से इनके छोटे छोटे टॉपिक बनाए हुए हैं के मेनली जो है इन इन रीजन को अगर अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वो किस पर्पज के लिए किया जाता है। सर्वाइकल स्पाइन का अल्ट्रासाउंड ज्यादातर जो है ना अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स के लिए किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है ब्रेकियल टैक्सिस है हमारी, ठीक है? नर्व्स जो कि हमारी आर्म में जा रही हैं उनके नर्व ब्लॉक के लिए जो है ना अल्ट्रासाउंड गाइडेड एनेस्थीजिया दिया जाता है, जिसको नर्व ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे जो नर्व्स है ना उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है? वो अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखते हुए उनको देखते हैं। ज्यादा जो मैंने अल्ट्रासाउंड देखा ना सर्वाइकल का अगर हो रहा है तो ये इनकी वजह से, इनको देखने के लिए। दूसरा अगर आपको वैसे तो एमआरआई के ऊपर डिस्क स्पेसेस और डिस्क की हाइट वगैरह जो है वो एमआरआई पे बेहतर नजर आती है, और एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, उसके अंदर चीजें हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बट फॉर द वर्टेब्राज हम देखते हैं कि सीटी स्कैन या एक्सरेज को ही देखा जाता है। सॉफ्ट टिश्यूज फिर मसल्स ही रह गए हमारे पास जिनको देखने के लिए, और यहाँ पे जो है ना मस्कुलर इंजरीज बहुत कम होती है। मस्कुलर या टेंडन या लिगामेंटल इंजरीज जो है ना बहुत कम है, दो तीन है वो मैं आज डिस्कस करूंगी। और उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि मतलब जिस तरह कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ, उसके लिए आपको फौरन से कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ठीक है? और उसके लिए आपको अगर कोई फॉरन इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो उससे अल्ट्रासाउंड से बेहतर कोई मोडालिटी नहीं है कि वो आपको उस टाइम की इंजरी का फौरन से बता सके कि क्या चीज हुई है, ठीक है? वो मसल्स के कोई टेंडन रप्चर हो गया या लिगामेंट। अब क्या होता है वो जो फ्लैश इंजरीज जिसको कहते हैं, वो क्या होता है कि गाड़ी जब कुछ चला रहा हो तो एकदम झटका लगता है गर्दन में, उसमें जो होते हैं ना टीयर होने के चांसेस होते हैं कि आपके लिगामेंट या आपके टेंडन जो है ना उनका टीयर हो जाए, जिसको फ्लैश इंजरीज कहते हैं, ठीक है? वो क्योंकि एक्सीडेंटल है, इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास एक तो नॉन इन्वेसिव हो और रैपिड जो कोई भी स्कैन है वो हम लोग कर सके, ठीक है? तो हम अल्ट्रासाउंड फॉरन से इमरजेंसी के अंदर जो है ना सर्वाइकल का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें करते हैं। अदरवाइज हमें पता टाइम टेकिंग है एमआरआई सीटी स्कैन, तो ज्यादातर हम लोग फिर उसी की तरफ इसको इन्वेस्टिगेशन को करते हैं, ठीक है? अच्छा इसकी हम लोग सबसे पहले एनाटमी देख लेते हैं। एनाटमी में हमें पता है कि हमारे
नेक के अंदर जो है बोनी स्ट्रक्चर्स अगर हैं, सबसे पहले हम एनाटॉमी में बोन्स पढ़ते हैं, फिर लिगामेंट टेंडन्स वगैरह देखते हैं. तो बोन्स, वी ऑल नो कि यहाँ पे जो हमारे स्पाइन का स्टार्ट ही यहाँ से होता है, ठीक है, और हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन के साथ हमारे पास वर्टेब्रास है, सेवन बोन्स हैं. आप सबको पता है C1 से C7 तक हमारे सर्वाइकल स्पाइन के बोन्स है, ठीक है, और इसके अंदर दो जो स्टार्टिंग वाली जो है वो एट्रस और एक्सिस उसको कहते हैं, और बाकी जो है हमारे पास C3 से जो है वो टिपिकल वर्टेब्रा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. ए टिपिकल और टिपिकल आपने वर्टेब्रा अपनी एनाटॉमी में पढ़े होंगे, मैं अगले उसमें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ए टिपिकल और टिपिकल क्यों कहते हैं उनको, ठीक है. बेसिकली अब देखिए इसकी एनाटॉमी, हम लोगों ने फर्स्ट 7 वर्टेब्राज आर द सर्वाइकल स्पाइन वर्टेब्राज, जिनको C1 C7 तक हम लोग इसको देख सकते हैं. These vertebras are stacked upon one another with an intervertebral disc. आपको पता है कि सबके डिस्क होती हैं, क्या कहते हैं वर्टेब्रास के बीच में डिस्क होती है, ठीक है. डिस्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. एक तो वो कुशनिंग इफेक्ट्स देते हैं बिकॉज बोन है और बोन से मूव करती हैं, तो जब वो मूव करेंगी तो फ्रिक्शन की वजह से जो है पेशेंट को कोई ना कोई कंप्लेन हो सकती है. इस वजह से अल्लाह ताला ने डिस्क रखी हुई है इन वर्टेब्रास के बीच में, ताकि जब भी मूवमेंट हो सके तो वो इजीली जो है ना इंसान मूव कर सके और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि आपको पता नेक के अंदर सारी तकरीबन मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, अबडक्शन, ये वाली सारी सर्कमडक्शन, पूरा सर यूं करके हम फैला सकते हैं, तो रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है. तो इस वजह से जो है इसके अंदर मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम, अगर डिस्क की स्पेस वगैरह कम हो गई है तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, सर्वाइकल वर्टेब्रा हैव एन आर्टिकुलर इंटरफेस फॉर्म बाय द फेसेट जॉइंट्स पोस्टीरियरली. आपको पता है कैसे वर्टेब्रा की बॉडी, वर्टेब्रल बॉडी आप लोगों ने उस पर एनाटॉमी में देखी होगी, पीछे वर्टेब्रल बॉडी होती है, स्पाइनस प्रोसेस होता है, साइडों पर ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, जो कैनाल है सेंटर में से उसमें से क्या गुजर रही होती है हमारे कौन सी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है, ठीक है, वो जो सेंटर में आपके हॉलो स्पेस होती है और फिर उसके दरमियान वर्टेब्रास के बॉडी के वहां पे डिस्क पड़ी होती है, ठीक है. तो ये हमारी एनाटॉमी हो गई. ये अगर आप पोस्टीरियरली देखो तो ये ऊपर ऑक्सीपिटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है हमारे सर्वाइकल वर्टेब्रास, ठीक है. ये हमारे 7 सर्वाइकल वर्टेब्रास है. अभी ये हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एपी या पीए व्यू करते हैं ना अल्ट्रासाउंड में, सॉरी अल्ट्रासाउंड कह रही हूँ, एक्सरेस के अंदर, तो हम लोगों को कैसे नजर आता है, जिस तरह हम लोगों ने लंग का एक्सरे देखा था ना, उसके अंदर हमें छोटे छोटे से डॉट्स नजर आते हैं, बीच में ट्रेकिया नजर आ रहा होता है, ट्रेकिया ब्लैक नजर आ रहा होता है, ठीक है. और वर्टेब्रास जो है वो जो स्पाइनस प्रोसेस है, अगर स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही है, नहीं शेयर हुई, जल्दी याद आ गया. एक ही स्लाइड अभी देखिए, उसमें वर्टेब्रास देखे हमने, सारे सोए हुए, ये मेरा ख्याल तलहा ही जाग रहा है जिसने बोला कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई, बाकी सब सो गए ना, ठीक है. एक ही स्लाइड देखिए, ये वर्टेब्रास की उसने हमने देख ली है, सारे कितने हैं उसमें, C1 से C7 तक है, ठीक है. इंटर बिटवीन जो है यहाँ पे इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, मैंने उनका फंक्शन बता दिया. इस डायग्राम में देखो तो इसके अंदर हम लोगों को क्या नजर आ रहे हैं कि हम लोग ये जो एपी या पीए व्यू करते हैं उसके अंदर हमारे पास जो स्पाइनस प्रोसेस है, अगर हम लोग सेजिटली या लेटरली देखते हैं तो स्पाइनस प्रोसेस हमें प्रॉपर नजर आता है, पीछे की तरफ को एक स्पाइन नजर आती है. बट पीए या एपी व्यू के अंदर क्या होता है कि वो यूं हमें फ्रंट से या बैक से देखते हैं तो स्पाइनस प्रोसेस एक डॉट की तरह नजर आता है, ठीक है. जिस तरह आपने लंग के एक्सरे के अंदर देखा होगा कि जहाँ पे हम लोग ट्रेकिया को देख रहे होते हैं, यहीं पे नेक में आपको वर्टेब्रास नजर आ रहे होते हैं और उसके अंदर ब्लैक कलर का यूं छोटा सा जो नजर आ रहा होता है, जहां से वो बाइफरकेट आगे जाके फिर जाएगा, ट्रिकिया जो होता है वो ब्लैक हमें एयर की वजह से नजर आता है, ठीक है. तो उसी के अंदर अगर हम वर्टेब्रास को देखें तो हमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे, वो स्पाइनस प्रोसेस के होते हैं, बिकॉज इन एपी या पीए व्यू स्पाइनस प्रोसेस लुक्स लाइक अ डॉट, छोटे छोटे से व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आएंगे. अगर हम लेटरली देखेंगे तब हम स्पाइनस प्रोसेस पूरा साइड से नजर आएगा, ठीक है. अच्छा, टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रास कौन से हैं और ए टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रास कौन से हैं. जैसा मैंने बताया कि ए टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रास जो है वो C1 C2 जिसको एटलस, एक्सिस और C7, ठीक है. ये तीन जो है वो हमारे पास ए टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रास है. और टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रास और ए टिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रास को क्यों हम लोग ए टिपिकल और टिपिकल कहते हैं, उनकी जो है ना
थोड़ी सी शेप जो है दोनों से डिफरेंट होती है, ठीक है, इस वजह से उनको कहते हैं इस तरह। जो ए टिपिकल है, जो C1, C2 और C7 है ना, उसके अंदर बॉडी नहीं होती, स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, ये जो वर्टेब्रल बॉडी है ना ये इस तरह नहीं होती, ठीक है, और इसीलिए उनको जो है ए टिपिकल कहते हैं। बाकी सारे जो है ना, जिनको हम लोग इवन थोरेक्स के अंदर भी टी के जितने भी वर्टेब्रास हैं, लंबर के हैं, दे ऑल आर टिपिकल वर्टेब्रास जिसके अंदर स्पाइनस ये वर्टेब्रल बॉडी होती है, पीछे स्पाइनस प्रोसेस होता है, साइडों पे ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ये जो साइड्स पे आपको नोके सी नजर आ रही है, ट्रांसवर्स फोरामेंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये सारी नेट में आप लोगों ने इसकी पहले तो वर्टेब्रा की पढ़ी हुई है, सारे पेडिकल्स हैं, लेमिनास हैं, ठीक है। एक डिफरेंस याद रखो कि ए टिपिकल और टिपिकल का क्या है, ए टिपिकल वर्टेब्रास कौन से हैं, C1, C2 एंड C7, अगर हम लोग सर्वाइकल की बात करें तो वो ए टिपिकल है, और टिपिकल कौन से है, बाकी जितने रेस्ट है वो टिपिकल है, बिकॉज उनके यहाँ पे वर्टेब्रल बॉडी भी है, स्पाइनस प्रोसेस भी है, ठीक है। दीज आर द मेजर मसल दैट सराउंड द सर्वाइकल स्पाइन। ये हमारे पास अगर हम लोग लेटरली देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर से ऑक्सीपिटल बोन से अटैचमेंट है, इसकी लॉन्गेस्ट कैपिटस और लॉन्गेस्ट कोलाई मसल ये जो बैक पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग बैक क्या, हमने पता ना यहाँ पे एक स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल भी होता है जो यहाँ से नेक से आके यहाँ आगे क्लेविकल के साथ अटैचमेंट होती है, ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग ये वाले मसल्स इसलिए देख रहे हैं, पोस्टीरियरली हम लोग जो जिन मसल्स को अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं ये मसल्स, वो वैसे तो नेक के अंदर बहुत सारे मसल्स हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कैपिटस है, लॉन्गेस्ट कोलाई है, ऑब्लिक कैपिटस सुपीरियर, ये वाले मसल्स जो है दैट सराउंड द सर्वाइकल स्पाइन, पोस्टीरियरली इन्होंने इसको उसके ऊपर आपको ये वाले मसल्स मिले, ठीक है। लिगामेंट्स आ जाओ, लिगामेंट्स की कलर से बता रहे हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाते जाओ वर्टेब्रा के, जो एंटीरियर रेड कलर का नजर आ रहा है दैट इज एंटीरियर लॉन्गेस्ट नर्व लिगामेंट, जो कि यू लॉन्गेस्टली प्लेस किया हुआ है, जो पूरे स्पाइन को आगे से उसने लॉन्गेस्टली एक बड़ा सा लिगामेंट होता है, ठीक है। फिर पीछे आ जाओ, फिर ये आ गया पर्पल कलर में पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियरली प्लेस है, ये भी लॉन्गेस्टल है, तो इसका नाम पोस्टीरियर लॉन्गेस्टल लिगामेंट। देन हमारे पास लिगामेंटम फ्लेवम है, ये जो बीच बीच में नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, इंटरस्पाइनल लिगामेंट है, ठीक है, ये ग्रीन, एंड ये जो है नक्कल लिगामेंट, जो नक्कल लाइन हमारी ऑक्सीपिटल बोन की, वहां से इसकी अटैचमेंट होती है, वहां से नीचे की तरफ जाता है। अच्छा, व्हाट आर द पैथोलॉजीज जिनको हम लोग कह सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोग किसी हद तक देख सकते हैं, वरना तो मैं बता रही हूँ कि इसका इतना रोल नहीं है अल्ट्रासाउंड का सर्वाइकल इमेजिंग के लिए, और अगर इमेजिंग है तो सबसे पहले हम लोग उसकी, अगर बोनी कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इज द एक्सरेज, ठीक है, सर्वाइकल एक्सरेज। उसके अंदर एक्सरेज के अंदर हमें क्या, अच्छा वैसे तो पैथोलॉजीज कौन कौन सी है, इसकी नेक की सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन, डिस्क जो है वो उससे हर्निएट कर जाएगी, जो हमारी सर्वाइकल के नाम स्पेस है वहां से, स्पॉन्डिलोसिस, ठीक है, डीजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे सर्वाइकल की बोन्स की। फिर हमारे पास है व्हिप्लैश डिसऑर्डर, वही जो मैंने आपको इंजरी बताई थी कि अगर पिक्चर में देखो थर्ड वन लास्ट वन, कि कैसे वो एकदम से झटका लगता है जब नेक के अंदर, तो ये इसके अंदर इंजरी आ सकती है, लिगामेंट या टेंडन टियर हो सकता है। क्रिक इन द नेक, कोई भी जो अकड़ाव सा होता है ना उसमें, और बहुत उसको स्पैज्म फील हो जाता है, सर्वाइकल सारे मसल्स का स्पैज्म कह लो, उसको क्रिक कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, एनी इंजरीज टू द टेंडन एंड लिगामेंट लीड्स टू द स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग जो है देख सकते हैं डिफरेंट मोडालिटीज के थ्रू, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, ठीक है। अब डिस्क हर्निएशन है नंबर वन, देखो तो ज्यादा तो हमें इसके ऊपर, ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे इसका रोल है, हम सॉफ्ट दो हमारे वर्टेब्रास नजर आएंगे, उसके दरमियान अगर डिस्क है वो हर्निएट हो रही है तो हम अल्ट्रासाउंड पे बड़े क्लियरली इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ उसको हर्निएशन के साथ इतनी ज्यादा कंप्लेंट आ जाएंगे उसको, एक्चुअली ये इसलिए हम लोग MRI या CT स्कैन इसको करवाते हैं, बिकॉज सर्वाइकल के साथ आपको पता है यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस और इतने ज्यादा नर्व्स भी गुजर रही हैं, उसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है, उसको नर्व नमनेस की प्रॉब्लम है, उसको वीकनेस की प्रॉब्लम है, डैट मीन्स उसकी नर्व्स भी इन्वॉल्व हुई हुई है, तो नर्व तो हमें अल्ट्रासाउंड पे इतनी अच्छी क्लियरली नजर भी नहीं आती, और ऐसा एरिया है जिसके ऊपर हम लोग देख ही नहीं पाते कि उसके ऊपर कोई कंप्रेशन है नर्व का आया हुआ है या और कोई पैथोलॉजी है। न्यूरोपैथी जितनी भी है वो हम लोग ज्यादातर MRI के ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए फिर हम लोग एक डिजीज अगर देखनी हो तो है, लेकिन ये एसोसिएटेड डिजीजेज हैं जब सर्वाइकल की हो, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी मोडालिटी पे हम इन्वेस्टिगेशन करें जिसपे हम लोग बाकी चीजें भी देख सकें, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद स्पॉन्डिलोसिस क्या है? डिजेनरेटिव चेंजेस है उसमें, स्पाइन जो है आपकी विद टाइम जो है आपको पता है वो थोड़ी सी खुरदरी होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपकी बोन्स जो है वो स्पाइन उसमें छोटी छोटी नोक्स नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है वो तो। और उसके अलावा जो हमारा कर्व है, जो स्पाइन का एक कर्व होता है ना, यूं कनकेव पहले होता है, फिर कन्वेक्स थोरैक्स होता है, फिर लंबर से कनकेव होता है, ये हमारी यूं करके स्पाइन पूरी बनी होती है। ये जो नॉर्मल कर्वेचर है ना इसका, हमारे सर्वाइकल स्पाइन का, ये डिस्टर्ब हो जाता है समटाइम्स, मस्कुलर स्पैज्म की वजह से स्ट्रेटनिंग हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेटनिंग हमें बड़ी क्लियरली एक्सरेज पर नजर आ सकती है, ठीक है। कर्व देखना बड़ा जरूरी होता है सर्वाइकल का, उसमें नॉर्मल तो ये कर्व होता है कनकेव, एबनॉर्मल में क्या होगा कि यहाँ तो स्ट्रेटनिंग हो जाएगी नेक की, या फिर आगे की तरफ को चला जाएगा, ठीक है, और रिवर्स हो जाएगा कर्वेचर उसका, ठीक है। उसके अंदर भी पेशेंट को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके जो स्पॉन्डिलोसिस का प्रोसेस है उसके अंदर आपको छोटी छोटी सी स्पाइक्स नजर आ रही हैं, खुरदरी हो गए है, वो हमें सब कुछ एक्सरेस पे भी बड़ा क्लियरली नजर आ सकता है, कर्वेचर और उसके स्पॉन्डिलोसिस और इसकी वर्टेब्रल हाइट, ठीक है। तो हम लोग पहली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन इज एक्सरेस फॉर द बोनी प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया। अच्छा, फिर विप्लाश इंजरी है उसके अंदर क्या होगा, आपके लिगामेंट या टेंडन टियर होंगे, तो वह फर्स्ट बिकॉज इट्स एक्सीडेंट इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड की तरफ सबसे पहले जाएंगे, अल्ट्रासाउंड पे अगर क्लियर नजर आ गया ठीक है, अदरवाइज जो है ना हम लोग सिटी स्कैन करवाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया स्प्रेन, और स्प्रेन इज द टियर ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन। अच्छा, दीज आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट कंप्लेंट सर्वाइकल की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नंबर वन तो नेक पेन के साथ आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको स्वेयर नेक पेन है, उसको स्पैज्म है, अकड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, हेडेक हो रहा है, शोल्डर पेन है, टिंगलिंग, नमनेस और वीकनेस, ये जो तीन चीजें हैं ना दे आर एसोसिएटेड विद द नर्व्स, न्यूरोपैथी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि मुझे पेन भी है और मुझे साथ में बाजू में नमनेस भी फील होती है, मुझे टिंगलिंग सी वो मतलब सेंसेशन आती हैं, वीकनेस है पूरे आर्म में, डैट मीन्स उसकी नर्व कहीं पे कंप्रेस हो रही है, ठीक है। ऐसी जो कंप्लेन होती हैं ना वो आती ही नर्व्स की वजह से। और अगर एक और पेन जो कहता है कि मुझे पेन खासतौर पर रेडिएट हो रही है पेन, तो वो रेडिएटिंग पेन जितनी भी होती है वो भी नर्व की पेन होती है, ठीक है। एक ही जगह की पेन होती है वो नर्व की पेन नहीं होती, जो पेन रेडिएट करती है सियाटिका की पेन होती है, कहते हैं बैक पे पेन और साथ में लेग में भी जा रही है पेन, तो वो भी जो होते हैं वो नर्व की पेन होती है, वो नर्व जो कंप्रेस हो रही होती है जिसकी वजह से उसको पेन ऐसी फील होती है जैसे रेडिएट कर रही है ट्रांग में भी। इसी तरह अगर कोई उसको पेन इस तरह की फील हो रही है जो वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है विद रेडिएटिंग पेन के वो एक जगह नहीं है, फील होता है पूरी बाजू में दर्द जा रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दीज सिम्टम्स आपको नमनेस, वीकनेस, टिंगलिंग इफेक्ट्स, ये सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, नर्व की प्रॉब्लम है। तो वो भी हम लोग अगर यही कंप्लेन के साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहा है फौरन से उसको MRI करवा दो, ठीक है, तो फिर हम लोग एक्सरे वगैरह ये सब बेकार है, नर्व की पैथोलॉजीज देखनी है तो MRI के लिए उसको। अगर सिर्फ नेक पेन आ रही है तो वो फिर हम लोग फिर उसके लिए एक्सरेज करवाते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे अकड़ाव बहुत ज्यादा है, वैसे मेरी आर्म्स ठीक है, मुझे कोई ऐसी सेंसेशंस नहीं होती, बट वो जब इसका एक्सरे करवाया तो उसका सर्वाइकल स्पाइन भी यहाँ तो स्ट्रेटनिंग हुई हुई है ड्यू टू स्पैज, ठीक है, इतना ज्यादा स्पैज था उसका, तो उसने स्ट्रेटनिंग या रिवर्सल किया हुआ कर्वेचर, या उसकी डिस्क जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो उसकी वर्टेब्रल बॉडी जो स्पेस है वो ऊपर नीचे कम हुई हुई है, ठीक है। व्हाट इज द टेक्निक अल्ट्रासाउंड की, हमेशा हम टेक्निक में उसका अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी को डिस्कस करते हैं कि क्या इस रीजन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, तो सुपरफिशियल है नेक के लिए हमें इतना डीपली जाना ही नहीं पड़ता, तो उसके लिए हमेशा लीनियर प्रोब विद अ हाई फ्रिक्वेंसी हम यूज करेंगे, और पेशेंट को लाए किस तरह करेंगे, उसको बिठा के उसका स्कैन करेंगे, उसको स्टूल पे बिठा लो, चारों तरफ हम आराम से उसको देख सकते हैं नेक को, और हम लोग बिठा के उसको फुली फ्लेक्स नेक में भी कर सकते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ करके, और फिर उसको पीछे सारा उसको प्रोब रखते हुए हम उसके मसल्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग प्रोब को इस तरह हम लोग रोटेट करते हैं, दीज आर द टेक्निक। सो व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड, हम लोग बात तो अभी तक करते आ रहे हैं और मैंने बता भी दिया, व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सर्वाइकल वर्टेब्रा। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू मेजर द एनाटॉमी एंड हाइट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इंटरवर्टेब्रल डिस्क, बस ठीक है। एक तो हमें इंटरवर्टेब्रल डिस्क की हाइट का पता चल सकता है, दूसरा टीयर्स देख सकते हैं हम उसके अंदर, बस। डिस्क हाइट एज मेजर द अल्ट्रासाउंड इज सिमिलर टू डिस्क हाइट मेजर द MRI एंड CT, तो हम लोग अगर सिर्फ डिस्क हाइट को ही मेयर करना है तो आप जरूर उसकी तरफ जाओ, आप अल्ट्रासाउंड कर लो, कोई रिसर्च इसके ऊपर अच्छी रिसर्च बन जाएगी,
सिर्फ अल्ट्रासाउंड करो लेकिन मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड एक प्रॉब्लम है कि यहाँ लाहौर में कोई कर नहीं था। आप खुद करना चाहो तो कर लो कि आप रख के इस तरह प्रोब और जो डाटा खुद लो और उसको क्या कर रहे हो, दो वर्टेब्रास के दरमियान डिस्क नजर आए, हर पेशेंट की डिस्क की ना वो हाइट लेते रहो, ठीक है, उसको एज से रिलेट कर लो कि इस एज में क्या डिस्क स्पेस वैसे रिड्यूस हो जाती है या कोई इंजरीज की वजह से, और उसको कंपेयर कर लो एमआरआई और सीटी उसी पेशेंट की, अगर उस एज ग्रुप की या किसी की एमआरआई सीटी हुई है तो उसमें देखो डिस्क स्पेस क्या क्या उतनी आ रही है जितनी मैंने उतनी मेजर की थी या कम ज्यादा हो रही है, रिसर्च हो सकती है इसके ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू मेजर द मोशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन वर्टेब्रा बॉडी मोशन अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। वी ऑल नो कि हम अभी तक मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ डायनामिक इमेजिंग, हम लोग ड्यूरिंग मोशन जो है देख सकते हैं स्कैन, तो जस्ट लाइक डैट हम लोग जो क्या करेंगे उसकी सर्वाइकल की मोशन करवाएंगे, उसको मूवमेंट करवाएंगे और ड्यूरिंग मूवमेंट हम स्कैन करते हुए उसकी प्रॉब्लम को रूल आउट कर सकते हैं। और लास्ट वन इज जो मैंने अभी बताया था अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन, इसके अंदर एनेस्थीजिया या अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग कोई भी एस्पिरेशन वगैरह कर सकते हैं कि हम लोग प्रॉपर उस जगह पे जा भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम कोई किसी करोटेड वेसल्स या हमारी जुगुलर वेन इतनी मेरी मेजर वेसल्स यहाँ पे पड़ी हैं, अगर उसको कहीं जरा से भी निडल लग रही ना पेशेंट, समझ गए, ठीक है। तो कहते हैं ना करोटेड तो बिल्कुल इतनी बड़ी वेसल है, यहाँ पे दबाना भी हो तो करोटेड दबाओ तो बंदा मर जाता है, ठीक है। तो जरा से उसको इंजेक्शन भी कहीं उसको हिट हो गया ना तो पेशेंट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करें, प्रॉपर देखते हुए कहीं पे इंजेक्शन लगा रहा है, नर्व भी पास से गुजर रही है, नर्व के अंदर इंजेक्शन देना है, एनेस्थीसिया नर्व ब्लॉक बड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और फिर हम लोग जो है इसीलिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें ताकि हम देखते हुए प्रॉपर जगह पे जाए नीडल को, ठीक है। अगर ये वेसल्स है तो उसे अवॉइड करें, नीडल एक साइड से जा रही है, ये ना हो कि उसके अंदर चली जाए और पेशेंट जो है वो हम लोग के जिम्मे आ जाए, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड देखो इतना गंदा नजर आता है ना, इतना अच्छा क्लियर नजर नहीं आता जितना एमआरआई के ऊपर स्पाइन नजर आती है। हाँ, बस आपको बोन्स व्हाइट कलर की नजर आ रही है और जिसके अंदर आपको ये देख रहे हो एक वर्टेब्रा, ये देख रहे हो दूसरा वर्टेब्रा, उसके दरमियान जो स्पेस है और ये क्या है स्पेस, दिस इज द डिस्क जो कि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट उसकी हाइट ले सकते हैं, ठीक है। नो लोडिंग 0.41 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देख रहे हो इसकी स्पेस थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, डैट मीन्स उसकी हाइट कम होगी। तो इस तरह हम प्रोब रखते हैं ऊपर वाली बोन, नीचे वाली बोन, दरमियान में स्पेस जो है ना, और ग्रे सा जो एरिया नजर आ रहा था दिस इज द डिस्क, तो उसकी हाइट आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसके, अच्छा, व्हाई द हाइट ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज द रेशियो बिटवीन द वर्टेब्रल बॉडी हाइट एंड द डिस्क हाइट विल डिक्टेट द मोबिलिटी बिटवीन द वर्टेब्रा। अब आपको पता है कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, उनका काम क्या है, ड्यूरिंग मोशन है, कुशन इफेक्ट्स देती हैं आपको, ठीक है। अब जितना आपका उसकी हाइट कम हो जाएगी तो बोन और बोन के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसकी मोशन में उसको पेन हो सकता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता डिस्क रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, डिस्क की वजह से उसको पेन बहुत सीवियर होगी और उसकी रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैंने मौलाना तारिक जमीर को तो सभी जानते होंगे, ठीक है, मैंने उनका किया था, मैं जब बिल्कुल मैं स्टूडेंट थी तो मैंने इधर केकेटी में जॉब की थी, आपने सुना होगा स्पाइन सेंटर इधर, ये मौलाना क्या नाम है, कौन सी रोड है, जो बटा कह रही हूँ, जिना हॉस्पिटल से इस तरफ को आना जहाँ पे लैब्स हैं काफी और शोरूम्स भी हैं, ठीक है, शोरूम्स के साथ ही इधर केकेटी स्पाइन सेंटर कैनेडा उसका वो है, वो देखा होगा आप लोगों ने, वो एक्चुअली करते हैं नॉन इन्वेसिव उनका प्रोसीजर है सारा, थ्रू साउंड वेव्स जो है वो स्पाइन को ट्रीट करते हैं, वो पूरा स्पाइन सेंटर ही है, ठीक है। ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट वाले भी हैं उधर, एक्सरेज के लिए मैंने स्टार्टिंग में वहाँ पे जॉब की थी, और वो उनके स्पेशलाइज 3D एक्सरेज होते हैं, वो ना उनका सिस्टम ही कैनेडा के साथ इंटरकनेक्टेड है। इधर हम लोगों ने एक्सरेज 5 व्यूज लेने होते हैं, पूरे एटलस एक्सिस को ऊपर से देखना होता है, मुंह खुलवा के उसका पूरा उस तरह के एक्सरे ले रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट 3 एक्सरेज लेके, वो स्पेशल किस्म के हैं और वो सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि वो फिर हम डायरेक्ट एनालिसिस के लिए उसको भेज देते हैं कनाडा, कनाडा से उसका आता है रिजल्ट, वो वहां पे जो टीम बैठी हुई है ना वो देखती है कि इसकी रोटेशन, क्योंकि साउंड वेव से वो ट्रीट कर रहे हैं, डैट मीन्स अगर उसके जिस तरह मैंने बताया था स्ट्रेटनिंग हो गई है नेक की या फिर रिवर्सल हो गई है, तो साउंड क्या है कि एनर्जी है ना, एक काफी टाइम तक एक एनर्जी को देते रहो, टकराती रहती टकराती रहती टकराती रहती, एक टाइम के बाद वो सीधी हो जाएगी,
ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि विदाउट एनी सर्जरी विदाउट एनी मेडिसिन वो ट्रीट करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक साइड फॉर एग्जांपल इस तरह कर्व था, हमने इसको यूं करना है, तो एक इस जगह पे वो इसी किसी एंगल के ऊपर वो एक साउंड वेव टकराती जाएंगी, एक टाइम आएगा वो सीधी हो जाएगी, ठीक है। साउंड वेव एनर्जी है ना, एनर्जी बस उसको देनी है, और किस एंगल पे देनी है, वो एंगल जो है वो हमारे पास वहां से उसका एनालिसिस आता होता था, उसको देखते हुए एक्सरेस को हम पेशेंट को फिर नेक्स्ट डे का टाइम देते थे कि ट्रीटमेंट के नेक्स्ट डे आपका 24 आवर्स तक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। डैट मीन्स वो हमें एंगल बताते थे और उसकी कितनी साउंड की हम लोगों ने एनर्जी देनी है उस पेशेंट को, वो आता होता था वहां से, ठीक है, कि इस पेशेंट की इतनी रोटेशन हुई है तो इसको इस एंगल से देना है। फिर उसको ट्रीटमेंट रूम में ले जाए, ट्रीटमेंट रूम में प्रोब सी होती थी इतनी सी, वो उसके नेक पे यहाँ पे प्लेस करते होते थे, जिधर भी वो आता होता था इंटीरियर रखना है, पोस्टीरियर जो रिजल्ट आता था इतनी उसके मशीन के ऊपर फ्रिक्वेंसी सेट कर दी साउंड वेव की, और फ्रिक्वेंसी के बाद जो है फिर हम लोग उसको जिस पोजिशन पे उसको साउंड वेव की एनर्जी देनी होती है वो फिर उसको सेशन देते होते थे कि आपने 12 सेशन तक आपका ये होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा साउंड वेव उसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा एंटीवर्टेब्रल डिस्क इसी वजह से अगर खराब हो तो वो एक साउंड वेव से ट्रीटमेंट है स्पाइन का, लेकिन उसके अंदर कोई गारंटेड ट्रीटमेंट नहीं था कि आपके, लेकिन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट था, लेकिन कुछ पेशेंट को जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपके भाई सर्जरी ही होनी है तो सर्जरी को अवॉइड करने के लिए एक ऑप्शन था कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। काफी पेशेंट वहाँ पे ठीक भी होते थे, मेरे सामने थे वहाँ पे कोई व्हील चेयर पे एक बुजुर्ग आते होते थे और वो व्हील चेयर पे थे, वो चल नहीं सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो वो अपने पाँव पे चल के गए थे और सबसे मिल के गए थे कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो वहाँ पे तो वो और कुछ जो है बेचारे और खराब हो गए, ऐसे भी थे, क्योंकि एक भी रिसर्च है इसके ऊपर, साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव से या तो उसको ठीक कर देगा या तो फिर उसका कोई नुकसान नहीं है ऐसा कोई के मतलब कोई, क्योंकि साउंड वेव्स की कोई इस तरह की एनर्जी कोई हम लोग रेज नहीं दे रहे उसको, बस साउंड वेव है उससे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अच्छी उन्होंने फिजियो वाले ज्यादातर वहाँ पे है तो हम लोग थे, मैंने थोड़ा टाइम तो वहाँ पे ज्यादातर बड़े लोग ही आए हुए हैं, मिसबा उल हक ने भी वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम था अपने, और ज्यादातर हॉकी प्लेयर्स आए हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम, जिनकी स्पाइन, और मैं वही बताई थी कि मेरे पेशेंट मौलाना तारिक जमील भी रहे हैं, उनका मैंने एक्सरे किया था, उनकी मैंने ये चीज देखी थी, मौलाना तारिक जमील की नेक के अंदर जो डिस्क स्पेस है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वो सारे वर्टेब्राज ऐसे एक दूसरे के साथ कोलैप्स हुए हुए थे, और जब उनका एक्सरे किया तो उनका बड़ा बुरा हाल था, मतलब यहाँ से ना पूरे वर्टेब्रल डिस्क बिल्कुल ही समझ लो स्पेसिस रिड्यूस ही हुई थी, और उनका इतना सीवियर पेन था कि वो अपनी नेक भी नहीं वो कर पा रहे थे इतनी ज्यादा उन दिनों। अपनी वाइफ को भी वहाँ पे लेके आए थे, तो उनका भी ट्रीटमेंट करवाया था और उनका भी हुआ था ट्रीटमेंट और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए थे, उनकी स्पेस जो है ठीक हो गई थी। तो वहाँ पे ज्यादातर जो है ना सेलिब्रिटीज ही मैंने देखे, क्योंकि महंगा ट्रीटमेंट है, एक सेशन का ही मेरे ख्याल 15,000 लेते हैं वो, और हफ्ते में 2 सेशन करवाते हैं, ठीक है, वो फिर किसी को 15 सेशन किसी को लाखों में ट्रीटमेंट चला जाता होता है। तो वो ज्यादातर जो मैंने वहाँ पे सेलिब्रिटीज ही देखे हैं जो वाकई बेचारे जिनकी प्रॉब्लम है उन्होंने किए भी हैं, लेकिन वही गारंटेड ट्रीटमेंट नहीं था, किसी का ठीक हुआ है, किसी का मसला जो है ना प्रॉब्लम भी हुई है, किसी को नहीं भी आराम आया, लेकिन मोस्टली ठीक हुई, ठीक है। तो मैं आपको यही बताया था कि ये मैंने मौलाना तारिक जमील पे इस तरह की प्रॉब्लम देखी थी वर्टेब्रल डिस्क की, तो वो एक्सरेस के ऊपर भी बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है कि वर्टेब्रास के अंदर स्पेस बहुत रिड्यूस हुई हुई है, तो उनकी तो इस तरह ऐसे खराब सी हुई कि एक तो डीजनरेटिव चेंजेस भी थी काफी ज्यादा उनकी एज के साथ साथ जिस तरह हो जाती है ना वो बहुत ज्यादा, तो वो था उनका मसला। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, और उन्होंने तो बड़ा पिछले दिनों जब मिसबा उल हक ने वहां से ट्रीटमेंट करवाया और ठीक भी, उसके इतने बड़े बड़े बैनर्स हैं, कभी भी उसके आगे से गुजरती होती ना अभी भी, तो इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं जस्ट उनपे करने के लिए, भाई यहाँ पे तो वो भी ठीक हुआ है सारा कुछ है, ठीक है, तो वो अच्छा है उनका सारा। कैनेडा से उन्होंने डॉक्टर खान है जिनके नाम से ये उनका नाम है, KKT खान काइनेटिक ट्रीटमेंट, KKT का मतलब ही ये था, तो डॉक्टर खान है तो वो इंडियन मुस्लिम वो रहते कनाडा में, कि उनकी ये इन्वेंट्री थी और उन्होंने ये इन्वेंट किया था कि ये ट्रीटमेंट इस तरह के रूप में डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया में कनाडा में और कंट्रीज में, फिर पाकिस्तान में किसी ने इस तरह उनसे लेके सारा ट्रीटमेंट और फिर स्टार्ट करवाया यहाँ पे भी, फिर वो स्टार्ट करवाया जाए KKT के नाम से है यहाँ पे, कनाडा ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर उसको कहते हैं, या फिर KKT के खान का ट्रीटमेंट, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी थी, वो सारा स्पाइन को ट्रीट करते हैं। अच्छा बिकॉज द रेशियो बिटवीन द वर्टेब्रल हाइट, अच्छा ये हम लोगों ने क्यों जरूरी होता है वर्टेब्रल हाइट, कि हमारे मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और अगर डिस्क स्पेस या स्पेस रिड्यूस हो गई है तो एक तो पेशेंट पेन के साथ कंप्लेन करेगा, दूसरा उसके रिस्ट्रिक्टेड मोशन हो जाएगी, वो प्रॉपर मूव नहीं इधर नहीं इधर करेगा, उसको दर्द हो रही है, ठीक है, तो उसकी रेशियो जो है हम लोग कहनी जरूरी होती है। हाईएस्ट रेशियो इन द सर्वाइकल अलाउज फॉर द मोशन, लोएस्ट लिमिट मोशन
And apart from this, height of the intervertebral disc is also important for nearby passing structures, because अगर disc space reduce हो गई, motion restrict हो गई, तो जो side में structures हैं, उसकी भी complaints आ सकती हैं patient. देखो, मैं वही बता रही हूँ, अगर तो vertebral space due to curvature खराब होने की वजह से हुई है, देखो अगर ये पूरे स्पाइन यू सी डी अभी तो उनके दरमियान डिस्क स्पेस बिल्कुल ठीक है, अगर ये यू हो जाए तो एक साइड से जो है डिस्क स्पेस कम हो गई और एक साइड से ज्यादा हो गई है ना, थोड़ी यूटिलेट हो गई है, उसका कर्वेचर खराब हो गया, तो उसके कर्वेचर को सीधा करने की, जब कर्वेचर सीधा करेंगे इस साइड पे जो आपकी स्पेस कम आ रही थी वो ठीक हो जाएगी. ठीक है, तो हम एनर्जी जो है साउंड वेव की, जिस तरह वो ट्रीटमेंट अगर इस साइड से देते रहे वो प्रॉपर अपनी जगह पे चली जाएगी, और इस तरफ से कम डिस्क थी जो जो प्रॉब्लम, उस तरफ से उसको जो मोशन की प्रॉब्लम्स आ रही थी उस तरफ को नहीं मूव कर पा रहा, तो वो प्रॉपर उसकी स्पेस कम. लेकिन अगर वो जो है स्पाइन कर्वेचर ठीक है, ठीक है, और उसकी डिस्क स्पेस वैसे ही ड्यू टू डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से खराब हो गई है, और सारा पहले कर्वेचर का देखो, और वैसे 99% हमारी जो सोसाइटी है ना उनका कर्वेचर, वहां पे जो बंदा आता था सबसे पहले उसका बैलेंस चेक करते थे, यहाँ पे वो स्केल सा रख के ना अपने शोल्डर के ऊपर, तो उसका बैलेंस चेक करते थे, 99% लोगों का जो है वो ये यहाँ से खराब होता था. और आपको पता है इसकी वजह से वो लोग कहते थे कि आपके इंटरनल बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनकी भी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट की, स्टमक की, और उसकी वजह से क्योंकि सारे स्ट्रक्चर स्पाइन के आगे ही पड़े ना, थोड़ी सी भी इधर कर्वेचर खराब हुआ तो उसने उसको भी हिला के रख देना, ठीक है, उसकी भी प्रॉब्लम. और लोगों को कंप्लेन पेट की थी, उसने स्पाइन का ट्रीटमेंट करा उसको पेट के मसले हल हो गए, ऐसे भी थे कुछ. ठीक है, तो वो कर्वेचर जो है ना बेसिकली कर्वेचर, और जो बैलेंस देखा ना सबका, मोस्टली लोगों का एक शोल्डर जो थोड़ा सा नीचे होता है या एक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर होता है नॉर्मल, जिसका बहुत कम 1-2% लोगों का बिल्कुल इक्वल होता है और बिल्कुल नॉर्मल होता है वो उस तरह. और क्योंकि हमारे तो बचपन में इतने भारी भारी हम लोगों ने बैग उठाया हुआ है ना, कि हमारा एक साइड पे बैग, बच्चों को कभी भी कहते हैं कि एक साइड पे कभी भी वाला बैग ना लेके दो उस वक्त, क्योंकि वो सारा जो आपका जोर है ना वो एक ही तरफ बच्चे का आएगा, और वो क्या होगा उससे एक शोल्डर नीचे चला जाएगा, एक शोल्डर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, स्पाइन का कर्व खराब हो सकता है, उसको आगे स्पाइन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ठीक है, कभी भी हम लोग भी यूज करते हैं, जब भी बैग वगैरह कोई भी भारी यूज करते हो तो एक ही साइड को नहीं हमेशा यूज करो, कोशिश करो कभी उतना भार उस तरफ भी दो उस तरफ भी दो, इक्वल रखो, एक ही साइड पे ज्यादा तुम लोग वो वेट आता रहेगा तो वो थोड़ा सा बैलेंस खराब हो जाता होता है अपने स्पाइन का. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इंजेक्शन है जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं, उसके अंदर हम लोग एनेस्थीजिया भी दे सकते हैं. एनेस्थीजिया क्या होता है कि इसके जो हमारे हमने नर्व को, नर्व की कंप्लेंट्स के साथ हम उसको लोकलाइज, उसको जो है लोकल एनेस्थीजिया दे सकते हैं. ठीक है, नर्व को हम लोगों ने देखा, नर्व के बाद हमने उसको एनेस्थीजिया दिया, नर्व ब्लॉक हो गई. ठीक है, उस एरिया को जिसको भी कोई आगे सर्जरी करनी है प्रॉपर, उसको जनरल एनेस्थीजिया देने के बजाय हम उसको लोकल जो है एनेस्थीजिया देके उस जगह को हम कुछ भी अगर सर्जरी वगैरह करनी है तो कर ले. और वो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होना चाहिए, प्रॉपर इंजेक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थीजिया इनटू द जॉइंट रिलीव्स द हेडेक, दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड डज नॉट शो व्हाट इज इनसाइड, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं शोल्डर में भी, कि हम लोग पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स या जो अंदर करके हम लोग को चीज नजर आनी चाहिए वो हमें अल्ट्रासाउंड पर नजर नहीं आती. फॉर डैट हम एक्सियल स्लाइसिस लेते हैं सीटी या एमआर के. सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस के हम लोग वी कैन नॉट सी व्हाट इज इनसाइड. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ओनली विजुअलाइज द सॉफ्ट टिश्यू आउटसाइड. नंबर टू, डज नॉट गिव द डिटेल्ड इमेज. अल्ट्रासाउंड इज नॉट एक्सेसिबल टू द डीप सीटेड रीजन. अल्ट्रासाउंड डज नॉट ट्रेवल वेल थ्रू एयर और बोन. ये भी एक लिमिटेशन है कि बोन के जहां से गुजरेगी पीछे शेडो आ जाएगा जहां जहां बोन्स है, तो इसलिए हम सर्वाइकल की करते ही नहीं, सारा तो बोन है, पीछे क्या देखना हमें, शेडो आ जाना सारा. ठीक है, तो बोन और फिर जो एयर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां से भी हमें सारा ब्लैक ही नजर आएगा, तो फिर एक ये लिमिटेशन है अल्ट्रासाउंड की. सो अल्ट्रासाउंड इज नॉट एन इफेक्टिव एट इमेजिंग बॉडी पार्ट्स दैट हैज गैस इन देम और आर हिडन बाय बोन. चॉइस ऑफ मोडालिटी नंबर वन इज द प्लेन एक्सरे. सीटी स्कैन एंड एमआरआई आर मोर एक्यूरेट, एंड अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स अ लो कॉस्ट पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट मेथड टू सेस द सर्वाइकल डिस्क. या फिर हम लोग उसकी मोशन या डायनामिक इमेजिंग है, रियल टाइम इमेजिंग है, तो उसमें हम लोग ड्यूरिंग मूवमेंट को अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बस यही इसकी एक एडवांटेज है. सो व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड? सीटी स्कैन, बिकॉज हम लोग बोन्स को ज्यादा देख रहे हैं. नर्व का अगर कोई प्रॉब्लम होगा देन तो हम एमआरआई की तरफ जाएंगे, बट फॉर द सर्वाइकल स्पाइन सीटी स्कैन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड of imaging cervical spine, because CT is better for visualizing 3D anatomy than MRI, particularly the presence of osteophyte, facets joint, arthropathy, and measuring the cross-sectional area of the neural canal
when evaluating stenosis of the cervical spine. Besides, MRI is a particular well suited for examining soft tissues and bone marrow. समझ आ गई? ये इसके अंदर हम लोग soft tissues के लिए MRI ज़्यादातर recommend करेंगे. Nerve की pathologies के लिए या फिर हम लोग उसकी bone marrow को देखना है या कोई soft tissue कोई tumor है वहाँ पे bones का वो उसके लिए detail. Otherwise, gold standard for the cervical spine will be CT scan. ठीक हो गया? खत्म आज का topic. ठीक है. हाँ जी कोई क्वेश्चन? नो मैम. तैयारी कर लो अच्छे से. पेपर आज मैंने बनाना है. दुआएं शुआएं कर लो के सही मूड में पेपर बनाऊं. MCQs 20 है, 25, 30 marks का मैं paper दूंगी पूरा. उसमें यहाँ 20 marks के MCQs हो जाएंगे, यहाँ 25 marks के MCQs और 5 marks के diagram SEQs शायद ना आएं. ठीक है? मैम ये diagram बहुत ज्यादा नहीं है मैम. नहीं बहुत कम है. मैम कैसे कम है? इतने ज्यादा है नी में भी और आगे भी बहुत ज्यादा है मैम. पता ही नहीं चलता. और लोग कंफ्यूज होते हैं मैम. सारे एक जैसे हैं मैम. उसमें हम कैसे डिफरेंस करेंगे? तो एक जैसे मैं एक क्लियर इमेज दूंगी. ठीक है? जो एक जैसे मुझे खुद पता है कि कंफ्यूजिंग है, जो पता नहीं चल रहा है वो क्या चीज है, वो मैं नहीं दूंगी. जो क्लियर होगी वो दूंगी. और दूसरा ये कि फोटोकॉपी पे अगर वो इमेज नहीं क्लियर आ रहा होगा, कुछ एमसीक्यूज में भी इमेजेस दे सकती हूँ. नीचे ऑप्शन दे दूंगी कि ये इमेज किस चीज का है, ये इमेज क्या बता रहा है. कोई फ्लूइड बता दिया, कोई बेकर सिस्ट बता दी, अगर नेक नजर आ रही है तो उस तरह की कोई चीज. ठीक है? तो वो अगर एमसीक्यूज में मैंने पूछ लिया कि ये क्या चीज है, नीचे ऑप्शंस होंगे. इमेज अगर क्लियर ना हुआ तो मैं यहाँ पे आपके सामने सॉफ्ट कॉपी में भी जो है ना कहूंगी, जो भी इमेज लेटर होगा यहाँ पे भी खोल दें, अगर वो प्रिंट ना प्रॉपर सही हो सका उसके ऊपर. ठीक है? शोर ना मचाना कि इमेज क्लियर नहीं हो रहा और ये वो सारा, आपको यहाँ पे भी खोल देंगे. ठीक है? छोटा सा पेपर है, जल्दी जल्दी 30 मार्क्स का होगा. 45 मिनट तक का आपका टाइम होगा. आप एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज होंगे, 20-25 30 मार्क्स का पेपर दूंगी. या तो 5 मार्क्स के एसईक्यूज और 5 मार्क्स के डायग्राम, तो 20 एमसीक्यूज. मैम अभी एसईक्यूज का तो हमने दिल से निकाल दिया मैम, अब वो ना दे रहा. एसईक्यूज अगर दिया है तो वो बहुत छोटे, दो नंबर का कोई पूछ लूंगी दो चीज. ठीक है? वो 5 मार्क्स का है सिर्फ, अगर दिया तो. अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं बैठ के. मैम डायग्राम फिर भी देखे है लेकिन एसईक्यूज के लिए हमने सही तैयारी नहीं की मैम. लो जो तुमने वो पढ़ा है वही तुम वहां लिख देना. उसमें क्या है, दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लूंगी. तैयारी सही है उसके लिए, अलहदा करनी पड़ती है. हम वैसे इमेजेस की जगह एसईक्यूज नहीं दे सकते. इमेजेस मत दें. लो नया इमेज तो मैंने देना ही देना है. इमेज तो मुझे बहुत पसंद है. एमसीक्यूज में भी देने, फाइनल में दे दीजिएगा ना. प्लीज डेवलपिंग के लिए मैम फाइनल में दे दीजिएगा ना इमेज. नहीं यार मुझे ना इमेजेस पसंद ही बड़े, क्या करूं मैम. वो वैसे दिखा दे हमें जो पसंद है आपको. इजी होगा, आप लोग फौरन से उसको, बल्कि उसमें मार्क्स लेने भी इजी होते हैं. आप लेबल करोगे इजी होगा, डोंट वरी. उसको भी देख लेना, अल्ट्रासाउंड वाले इमेज को भी और दूसरी लेबलिंग वाले भी. कोई इस तरह अगर डायग्राम जिस तरह है नी के अंदर थी, या कोई वैसे डायग्राम दी हुई है सिर्फ लेबल करने को. ठीक है? कोई बोन्स पूछ ली है तो बोन्स बता दो, तो शक हो गया ना है. ये की तो क्या कहते हैं वो है तुम लोगों के पास रीजन, उसकी भी ना पूछूं तो क्या पूछूं तुम लोगों से. हैं रेस्टी तो है. आप रेस्टी रट्टा मारना है. वो पूछा कैसे रट्टा मारा था. एक साइड पे मैंने लिख दिया रेडियल साइड, एक साइड पे अल्नर साइड. पे लिख लोगे रेडियल साइड से शुरू कर लो और किस साइड पे जा रही है, स्केफॉइड किस साइड से स्टार्ट हो. ठीक है? वो मैंने बता दी, एक साइड रेडियल एक साइड अल्नर है. तो आपको ये तो पता होगा ना, रेडियल साइड से स्केफॉइड शुरू हो रही है, तो फिर वो आगे तो आपने रट्टा ही मारना है. स्केफॉइड यूनिट ट्रैक्यूट. ठीक है? तो सीक्वेंस सही होना चाहिए, ये ना हो क्या रट्टा मार के आगे पीछे कर दो. ठीक है? तो सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर डिस्टल और प्रॉक्सिमल रो का. ठीक है? कि एक इसके बाद क्या जो कंपार्टमेंट के अंदर की चीजें वो तो नहीं पूछेंगे, वो तो बिल्कुल समझ नहीं आते इमेज देख के. मुझे एक बात बताओ, एक रीजन दिया तुम लोगों रिस्क के, ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे उसमें चीजें क्या है. कंपार्टमेंट है इम्पोर्टेंट. ठीक है? रिस्क के अंदर मैम वो बहुत मुश्किल है, उसका तो समझ ही नहीं आ रही. और एक दूसरे से डिफरेंस हम नहीं कर सकते मैम उसमें. इमेज पूछ रहे हो या वैसे कह रहे हो?
इमेज पूछ रहे हो क्या? इमेज 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 मैम इमेज का बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, इमेज कंपार्टमेंट के अंदर इमेज नहीं समझ आती। अल्ट्रासाउंड की नहीं दूंगी, दूसरी दे दूंगी। ठीक है, डायग्राम फिर तो समझ आ जाएगी ना। मैम आप हमारे से वैसे ही पूछ लेना, कौन से कंपार्टमेंट में क्या चीज़ है, हम आपको वो बता दें। कुछ सिनेरियोस देने हैं, ठीक है? एमसीक्यूज जिस तरह पहले दिए थे सिनेरियोस टाइप होंगे। कुछ वैल्यूज पूछ सकती हूँ, ठीक है? जो डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड के ऊपर कितनी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है? और ज्यादातर सिनेरियोस ये होंगे, और डायग्राम मैं बता रही हूँ तो मैंने देनी ही देनी है। 5 मार्क्स की होगी लेबलिंग के लिए, ठीक है? वो कोई भी हो सकती है, लेकिन आप तैयारी अपनी पूरी रखो। कंपार्टमेंट्स का पता हो, बोन्स का पता हो, नी के अंदर नी और ये और तीसरा बेसिक सा लेक्चर छोटे से, तो दो नी तो पहले क्यों लोग कर चुके हो, रेस्ट ही है उसको ही अच्छे से कर लो। और मुझे उम्मीद है सबके फुल्ली मार्क्स आने हैं, इजी सही होना इंशाल्लाह मैम। लेकिन मजा थोड़ी आएगा इस तरह सभी के फुल मार्क्स आ गए, मेरा वो खराब हो जाना है ग्राफ जो सर को भेजना होता है ना। सर कहते हैं बेल शेप ग्राफ होना चाहिए, जब रिजल्ट बच्चों पे मजे नहीं लेना। सर कहते हैं बेल शेप ग्राफ हो, मतलब दैट मींस कि आप लोगों के सारे बच्चे यही ना हो कि इतना इजी पढ़ा दिया कि सारे बच्चे ही। वैसे भी पेपर जब भी बनाना होता है ना, एक पोर्शन होता है बहुत मुश्किल, एक होता है इंटरमीडिएट, एक बहुत आसान। तीन हम लोग बनाते हैं कि बहुत आसान भी हो ताकि वो बच्चे भी, और जो बहुत मुश्किल होता है वो जो हाई स्कोर वाले बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने सीजीपी अच्छे अच्छे लेने होते हैं, उनके लिए होता है वो पोर्शन। आप टेंशन ना लो, जिसको टेंशन है कि ज्यादा मुश्किल पेपर आएगा, ये उनके लिए पेपर, तो जो एक्स्ट्रा इधर उधर से। हाँ मैम, हम बेचारे ही मिले हैं हमारे साथ यही। कोई बात नहीं मैम, हमें ऑफ भी नहीं है ना, तो आप वो ज्यादा मुश्किल वाला पार्ट ना डालिएगा। ज्यादा मुश्किल वाला पार्ट भी होता है और थोड़ा इंटरमीडिएट भी होता है और थोड़ा सा इजी, इसमें छोड़ देना ना, फाइनल में ले लेना। मैम फिर हमारी डेटशीट भी अच्छे तरीके से बना लिया करे ना, फिर इस तरह से अगर उन्होंने ग्राफ बनाना होता है तो। क्या बनाना होता है? अगर उन्होंने ग्राफ ऐसा चाहिए तो फिर डेटशीट भी थोड़ी अच्छी बना लिया करे ना। नहीं, उनका ये मतलब होता है कि पेपर या तो बिल्कुल आसान नहीं बनाना है या बहुत मुश्किल। मैम कौन पेपर आसान बनाते हैं, मुझे आपकी कॉमन सेंस वाली बात है, कौन टीचर इस तरह पेपर बनाता है? तुम लोगों को तो बुक्स का आप पता है, ये 3-4 स्लाइड्स वाले हो तुम लोग, ठीक है? 2-3 टॉपिक सिर्फ स्लाइड से इधर उधर से तुम लोग पढ़ते हो। तुम लोगों को अगर यूएचएस का पेपर देना पड़ जाए ना, तुम लोगों को लग पता जाए। अभी तुम लोग सिर्फ स्लाइड्स पे बोल रहे हो, यहीं से पढ़ते हो और यहीं से पेपर आता है सारा। वहां पे सिर्फ टॉपिक बताया जाता है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज, और उसमें होता है टॉपिक सिर्फ, और वो टॉपिक के अंदर कुछ भी आ सकता है पेपर, ठीक है? आप लोगों ने कभी देखा नहीं है पेपर, कभी देखना यूएचएस के पेपर्स किस तरह के होते हैं, या फिर बाकी किस तरह पेपर वो लोग ले रहे होते हैं। उसके चिल्ड्रन हॉस्पिटल का देख लो, या बाकी जितने हैं उनके हॉस्पिटल्स के, वो लोग आपको सिर्फ टॉपिक बताते हैं। यहाँ पे तो आपको स्लाइड्स पढ़ा के उसी में से दे रहे होते हैं, फिर भी बच्चे सीख रहे होते हैं भाई ये मुश्किल पेपर आ गया। मैम फिर उनका पूरा साल होता है मैम, और उनका मतलब असेसमेंट्स उनकी छोटी छोटी होती रहती है। मुझे पता है, मेरी फ्रेंड पढ़ रही है मैम, तो मुझे पता है, वो खुद कहती है कि मैं ज्यादा रिलैक्स हूँ तुम्हारी निस्बत, जितनी तुम टेंशन में रहती हो। जब उनका फाइनल पेपर आता है ना, तो उनको भी पता होता है कि किस मैम, वो यकीन करें वो 3 मंथ्स में भी प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग पूरा साथ साथ भी कर रहे होते हैं, फिर भी हम लोगों के जीपीएस देखे, मतलब क्या हम लोगों ने रोला हमारा ज्यादा होता है। साथ साथ पढ़ते हो, साथ साथ एग्जाम, और तुम लोग के असेसमेंट 3-4 महीने का पूरा सेमेस्टर होता है, उसमें 8-8 साथ साथ असेसमेंट्स होती हैं। आप लोगों का क्विज आ गया, ठीक है, उसकी तैयारी कर ली, साथ ही मिड आ गया, मतलब मिड आ जाता है, ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है, तो दैट मीन्स आप समझो तैयारी में ही लगे हुए, फिर भी ही मार्क्स आते हैं। मुझे नहीं समझ आती, नहीं तो एनुअल मैम इस बार काफी सब्जेक्ट्स के हमारे क्विज भी नहीं हुए हैं, सीधे हम लॉकडाउन की वजह से खराब हो गए ना। मैम सब टीचर्स अपनी मर्जी करते हैं, यकीन करें, कहते हैं हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है, लेकिन करते अपनी मर्जी है। ऑनेस्टली किसी का कोई पैटर्न है, अब किसी का कोई पैटर्न है, कोई क्या कह रहा है, कोई सिंपल एमसीक्यूज दे रहा है, आपको बस जो टॉपिक बता दिया आप तैयारी करो जैसे मर्जी तैयारी करो, ठीक है? आपको कुछ भी आ सकता है, आपको तो उससे गर्ज ही नहीं होना चाहिए कि क्या किस तरह आएगा। आपको बस ये कि पेपर है ना, पेपर किसी भी तरह आ सकता है, ठीक है? तो वो आपको बताए जाते हैं सब टीचर्स, जिस तरह अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पहले ही बता देते हैं कि भाई हम लोग इस तरह का पैटर्न दे रहे हैं, वो आप लोगों को बताते हैं कि एमसीक्यूज हैं, मैं जिस तरह बताती रहती हूँ, इमेजेस पे ज्यादा फोकस किया करो, ठीक है? और सिनेरियोज हैं, और क्या तुम लोगों को फिर इसलिए चाहिए इसमें,
ठीक है, दो टॉपिक एंड दो एक पहले तुम लोग कवर कर चुकी हो और एक भी नहीं हो कर रहे हो, तो फिर मुझे अब बताओ इसमें क्या रिस्क के अंदर क्या मसले आ सकते हैं, वो थोड़ा पढ़ लो उसको। ठीक है, बाकी आपकी जनरल नॉलेज है, तरह रटा तो नहीं ना हर वक्त के यहाँ स्लाइडों से देख देख के तुम लोगों ने वही लिखना है जो स्लाइड में लिखा हुआ है। बाकी जनरल नॉलेज है कि इससे ये अगर पढ़ा तो इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थोड़ा सा खुद भी तो सोचना है कि नहीं। बहुत यहाँ पे मर्जी से, मैं यकीन करो ईमेल्स देखती हूँ मर्जी से सब, और खास तौर पे मेरे आज शायद उनको भी बताना है जो जो मुझे असाइनमेंट वाले लोग हैं, मैंने आप लोगों की क्लास में नहीं ये बताई थी बात कि मुझे कितनी ईमेल्स आई हैं कि विदाउट क्या कहते हैं उनके उन्होंने टाइम को नहीं देखा और इस तरह ईमेल्स किए, भाई हमें पता ही नहीं चला इतने बजे का टाइम था, मैंने इतने बजे सबमिट करा दिया, मुझे टाइम का नहीं पता चला, मेरा इसका मसला, इतनी ईमेल्स जबकि मैंने कहा था एलएमएस पे मुझे अपलोड करना। ठीक है, इतनी ईमेल्स जो कि मुझे आई हैं, मैंने एक्सेप्ट सबकी की हैं, लेकिन मैं मेरिट पे ही हमेशा मार्क्स देती हूँ, जिसको वाइवा के अंदर भी जिसके अंदर भी सबको एक लेवल पे रखती हूँ, ना मेरे लिए कोई फेवरेट बच्चा है ना मेरे लिए कोई बहुत नीचे, जिसने पढ़ना है वो पढ़ के नंबर लेगा, जिसने जिस तरह भी नंबर लेने हैं वो उसके अपने ही उसके ऊपर है। ठीक है, मेरे लिए कोई ऐसे नहीं है जो फेवरेट नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है, और मार्क्स भी असाइनमेंट किसी तरह मैंने डिवाइड किए हुए थे, एक प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं कि आपने क्या मटेरियल यूज किया है, किस तरह का आपने प्रेजेंट किया है, दूसरा ये कि आपके सबमिशन टाइम विद इन आपने टाइम उसको सबमिट करवाया है या बाद में सबमिट करवाया। ठीक है, जो बाद में सबमिट करवाए हैं मैंने उनको एक्सेप्ट जरूर किया, लेकिन उनके मार्क्स कहीं ना कहीं डिटेक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि दे आर इरेस्पॉन्सिबल। अगर आपको इतना ही अगर असाइनमेंट का हो ना, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करके प्रॉपर, उनको पता है ऑनलाइन मसला आ सकता है, उन्होंने 2 दिन पहले ये सारे अगर फाइल बड़ी या नहीं अपलोड हो रही कंप्रेस करके देखो कुछ ये एंड पता है कि 12 बजे हमारा टाइम खत्म हो जाना, 12 बजे लगे हुए और ईमेल आ रही है, मिस 12 बजे मैंने, मुझे एएम का नहीं पता था, पीएम का पता है, एएम पीएम का हो गया, तुम लोग 12 बजे ही सबमिट करवाना था, 1 दिन पहले प्रिपेयर रखो अपनी प्रेजेंट अपनी असाइनमेंट कब की बताई हुई है, कि 1.5 हफ्ते पहले बता देते हैं कि इसीलिए कि कोई मसला ना आए, फिर भी एंड टाइम का मुझे उसके बाद की आ रही है ईमेल्स। ठीक है, तो वो मैंने एक्सेप्ट जरूर की है, लेकिन जिसका जो मसला है उसके थोड़े थोड़े मार्क्स उस लिहाज से जो है ना फिर मैं डिटेक्ट करूंगी मार्क्स, इसीलिए जो है ना उस पर मत बोल। ठीक है, तो आप लोग खुद मर्जी से ईमेल्स कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या उसका सिलेबस, मैं अनाउंसमेंट में कहती रहती होती हूँ, अनाउंसमेंट में अगर कोई इस तरह की प्रॉपर होती है, मैं अनाउंसमेंट भी देख लिया, तो एलएमएस किस लिए, तुम लोगों के लिए ही है ना, फिर भी ईमेल्स करके मिस आज क्लास का बता दें क्या कहते हैं वो अपनी सिलेबस बता दें, ये बता दें, पैटर्न बता दें, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है कि वेटी जितनी है ये सब कुछ है सब वहाँ पे है, फिर भी अलग से मर्जी से ईमेल इस तरह ना करें इस तरह दे दें, इस तरह ना करें इस तरह ना दे दें, यहाँ पे हर टीचर्स को अपनी मर्जी से करवा रहे हैं काम कि हमें जी इस तरह नहीं पसंद आप ऐसे कर लें वैसे कर लें, जरा देख के देखो दूसरी यूनिवर्सिटीज में इस तरह करके देखो, इवन के वहाँ पे जो आपको अनाउंस कर दिए ये डेट के जो मर्जी हो जाए किसी को, खुदा ना खासा डेथ भी हो जाए ना किसी की खानदान में, तो वो भी पहुंचे होते हैं पेपर देने के लिए। मैं यकीन करो मुझे यहाँ पे एक टीचर दिखा रही है, उसकी शादी है लड़की की, वाइवा दे रही है, पॉलर में बैठी हुई है, ठीक है, और इतनी नॉन सीरियस है वो कि उसका शादी को अभी इतना टाइम है, 15 दिन है, तो पार्लर में बैठी हुई वाइवा दे रही है, वीडियो कैम ऑन किया हुआ है, और साथ में जी अपनी फेशियल करा रही है और ये करा रही है, तो ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि मिस अपनी मर्जी से वो अगर और जहाँ पे एग्जाम दिया बोर्ड के एग्जाम देते थे होता था कभी अपने बोर्ड के एग्जाम में जाके कह लो, इसीलिए तो यहाँ पे फिर आप लोग बाद में जाके कहते हो भी हमें यूएमटी वालों को कोई पूछता नहीं है, यूएमटी वालों को इसलिए नहीं पूछता कि आप लोग खुद भी सीधे नहीं होते, आप लोगों को अगर बुक रीडिंग तो कहते हैं बुक से पढ़ो बुक से पेपर आएगा, ठीक है मैं बुक से यहीं पे सारे आधे होश हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको फील्ड में मसला कर सकती है, हम लोग तो जो जिस तरह चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं कि भाई आप लोगों को सिर्फ उसी स्लाइड्स पढ़ानी है, स्लाइड से पेपर है इधर उधर से ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ा कोशिश करते हैं कि आप लोग ज्यादा वो ना हो बिल्कुल ही स्लाइड से नहीं उठा के देना, थोड़ा बहुत तो इधर उधर का पता होना चाहिए, कुछ सिनेरियोस दे दिया या कुछ कुछ तो दिमाग लगाओगे ना। ठीक है, तो वो चीज है क्योंकि आप लोगों को बाद में मसले फील्ड के ही आते हैं, बहुत से बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं मुझे आज यही उनके मसले आ रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, इतनी आसानी से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस लो, मैं कहती रहती हूँ ड्यूरिंग स्टडीज एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दो, काम सीखो, अभी काम सीख लोगे तो आपको फॉरन जॉब मिलने के चांसेस हैं ज्यादा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में आप लोग सीख सकते हो काम, आपको जरूरी है कोई पे कोई करे तो फिर ही आपने जॉब करनी है, विदाउट पे कहीं लग जाओ। ठीक है, जहां जहां आपको कोई रेफरेंस लगता है या जहां काम कोई सिखा रहा है थोड़ा बहुत, तो आप वहां जाओ ऑब्जर्व भी कर लो, अगर वो खुद आपके हाथ में नहीं देगा चीजों का आइडिया हो जाएगा, फील्ड का आइडिया हो जाएगा,
जब एक्सपीरियंस ले लोगे तो मैं आपको कह रही हूँ आप लोग फिर निकलोगे और फिर आपको काम आएगा, जब जॉब पे लग जाओगे तो फिर साथ साथ स्टडी भी करते रहना और साथ साथ एक्सपीरियंस भी लेते रहना, चीज़ों का फिर आइडिया होता जाएगा। ठीक है, साथ साथ बताती हूँ कि ये चीज़ें इस तरह किया करो, हम लोगों ने ये चीज़ें फेस की हुई हैं तो मैं बताती हूँ ना, क्योंकि फील्ड में जाओगे तो मसला होगा। अब ग्रेजुएट जितने हो चुके हैं उनको मसले आ रहे हैं ना, ठीक है, वो मसले इसी वजह से आते हैं कि हम आपको पहले बताते हैं कि ये मसले आएंगे, इस तरह आएंगे, तो कोशिश करो इस तरह इसको पहले से कर लो। जिनका प्लान है कहीं अब्रॉड शिफ्ट होने का या बाहर स्टडीज के लिए या जॉब के लिए जाने का, उनके लिए भी मैंने कहा सेमिनार जो करवाना है, मैं बाहर जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनको एक वेबिनार टाइप हो, आपको वीडियो कॉल पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपको बताएं कि यूके में क्या क्राइटेरिया है जाने का, गल्फ में क्या क्राइटेरिया है जाने का, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या लाइसेंसेज रिक्वायर्ड है, इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो उनसे हम पूछेंगे कि वो अगर कर रहे हो जॉब तो किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, वो आपकी इंटरेस्ट है किस में ज़्यादा पैसा है वो जो, लेकिन उसमें आपको बताया रेडिएशन भी हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है लेकिन रेडिएशन भी इतनी ज़्यादा है, तो वो फिर अपना भी देखना है, रेडिएशन प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो वह सारी चीज़ें जो है वो तो आपको अपनी फील्ड के साथ साथ समझ आएंगी जैसे जैसे आप फील्ड में जाओगे। ठीक है मैम, ये सेमिनार कब हो? या मिड से फारिग हो, जो सिलेबस भी रह गया हमारा कुछ थोड़ा सा ही, दो तीन और लेक्चर्स होने हैं तो वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, मिड से भी फारिग हो जाए, फिर हमारे पास टाइम ही टाइम है फाइनल तक, ठीक है, एक डेढ़ एक महीना तो हो गया मेरा ख्याल है हमारे पास फ्री, तो उस महीने में मंडे को मेरी मीटिंग है, उस मीटिंग में ही डिस्कस करनी है ये सारी चीज़ें, तो थ्री डे फिर उसमें यही हम लोग जो डे को डिसाइड करके, आपका लास्ट पेपर कब है? मैक्सिमम भी अगर किसी और का भी इधर उधर से हुआ तो 20 तक फारिग हो जाओगे, 20 को ईद, 20 21 को ईद है मेरा ख्याल, ईद 21 को ईद है, तो वही के ईद की छुट्टियों के फौरन बाद देख लेते हैं कोई ना, तो वो टाइम ईद से फारिग हो जाओ, ईद से एग्जाम से ये सारा महीना निकाल लो इन चीजों से, तो फिर उसके बाद जो हमारे पास टाइम होगा फाइनल से पहले उसमें हम प्रैक्टिकल्स का भी देख लेंगे कुछ क्लासेस, और ये सेमिनार का भी जो है ना 3 डे का उसी तरह, बल्कि आप लोग मुझे थोड़ा बताओ कि किस तरह का होना चाहिए एक अच्छा सेमिनार, किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग भी अपने आइडियाज मुझसे शेयर करना कि हम लोग कैसे बेहतर, हम सबने मिलकर ही करना है, मेरा तो है आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज हो जाए कि आप फ्री हो जाओ काम से, इन चीजों का आइडिया भी हो जाए आपको, और प्लीज आप जब भी रेडियोलॉजी सोसाइटी RSP की कॉन्फ्रेंस होती है एनुअल जरूर अटेंड करना, मैंने बताया ना वो हर प्रोविंस में जाती है, रोटेट होती है, तो पंजाब में होती है, तो लाहौर में होती है, और अगर उस तरफ से भी जाती है इस्लामाबाद में, या इस्लामाबाद में होती है या पिंडी में वहाँ भी सीट है, और सिंध में जाती है तो कराची में होती है, अच्छी बार कोयटा में जो थी वो उस तरफ बलूचिस्तान वाली साइड उस तरफ हुई थी, तो अगर पहले मैं पता करती हूँ कि इस साल जो है वो किस प्रोविंस में है, तो अगर तो लाहौर में है तो ज़रूर उसको अटेंड करना, ठीक है, जो अगर अगर इस्लामाबाद वाली साइड पर अगर हो रही है तो नॉर्दर्न इस तरफ वाले जो लोग हैं जो अगर वहाँ से, तो वो लोग अटेंड करें, आप लोगों को बड़ा फायदा होगा, बहुत चीज़ें मिलती हैं देखने को कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको सारे लेक्चर्स मिलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट नई नई चीज़ें बताते हैं, मशीन्स के बारे में पता चलता है, अपनी मशीनों पे काम करना है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है, अब क्या नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मेडिकल इमेजिंग में, उसके अलावा आपको बहुत मतलब एक ईद की तरह होता है 3 डेज का, बहुत मज़े का, कोविड की वजह से पिछले साल भी कोई इतना मज़े की नहीं हुई थी कोविड की वजह से, लेकिन होती है बड़ा ह्यूज फंक्शन है ये, तो पूरा यहाँ जो लाहौर में होती है वो PC होटल में होती है, और PC होटल में जितने भी हॉल्स हैं ना वो सारे इन्होंने लिए होते हैं, एक हॉल भी नहीं, कितने ज़्यादा हॉल है, नीचे भी सारे क्रिस्टल हॉल, ये एक हॉल में ये लेक्चर्स चल रहे हैं, बोर्ड लगे होते हैं, आपको जो इंटरेस्ट की चीज़ है आप उधर जाके वो लेक्चर्स भी ले सकते हो, ठीक है, बाहर उन्होंने बूथ लगाए होते हैं कंपनीज ने, वो चीज़ें डिस्प्ले की होती हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ठीक है, तो फिर हैंड्स ऑन कहीं हो रहा है, कहीं कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस ज़रूर अटेंड किया करो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप साथ साथ जहन में रखा करो और जाया करो, इंटरेस्ट डेवलप करो अपने फील्ड के, तो जो है ना समझ गए, ठीक है, तो जो बच्चे एक्टिव हैं इन चीज़ों में मेरे पास आना पेपरों से फारिग होके, तो फिर इसके ऊपर मिलके करते हैं काम कॉन्फ्रेंस के ऊपर ना, एक तो मेरा तो आइडिया है कि यही है कि बाहर अब्रॉड वालों को मैं इंगेज करूँ, ठीक है, ताकि वो आप लोगों को दो कंट्रीज का, तो ऑब्वियसली यूके का, तो यूके और गल्फ का तो एटलीस्ट बता सकें, एक यूरोप साइड हो जाए, गल्फ में भी बहुत सारे जॉब्स हैं तो उस तरफ भी हो जाए, ठीक है, तो इन जगहों पे जो वो जॉब कर रहे हैं और साथ स्टडीज कर रहे हैं तो वो क्या उनका किस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को एक बात क्लियर कर दें कि बाहर जाने के लिए क्या है,
ठीक है, दूसरा अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा वेट करो, अल्लाह करे कि आप लोग जब तक ग्रेजुएट हो तो यूएचएस स्टार्ट कर दे। सुना है यूएचएस स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो अभी प्रोसेस में ही है। एमएस अगर वो स्टार्ट करते हो तो कोशिश करो यूएचएस से अपनी एमएस डिग्री को, ठीक है। बाकी उसके लिए मुझे लग रहा है उनकी सीट, उनका मेरिट होता है, यूएचएस हमेशा मेरिट पर रखता है, उनकी सीट्स कम होती हैं। अब इतने ज़्यादा बच्चे हैं ना, यूएल वाले भी हैं और पता है वो 100 इधर भी इतने सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट, तो सबने उस सीट के लिए भागना है एमएस के लिए, ठीक है। तो अपना जो ग्रेजुएशन का सीजीपीए या अपना मेरिट है उसको हाई रखना, ताकि आप इधर नहीं तो चलो कोशिश करो बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो स्टडीज को नहीं छोड़ना, एटलीस्ट मास्टर्स जरूर करना, आगे तो आप जितना मर्जी पढ़ लो मास्टर्स जरूर करना, कोई एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन जरूर करना, ठीक है, फिर ही कामयाब हो आपको। MIT को कोई नहीं पूछेगा, जिस तरह सिंपल MBBS को आजकल कोई नहीं ना पूछता, इतने सारे MBBS करके बैठे हैं जब तक वो स्पेशलाइज नहीं हो रहे, फिर जाके कहीं उनको प्रॉपर उनकी कोई नाम होता है। MBBS हर दूसरा बंदा MBBS, हर दूसरा बंदा MBBS। पहले हमारी फील्ड कम थी, कम लोग थे, अब आ गया ज्यादा, ठीक है। अब जो है इस वजह से अब मेरिट पे काम हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो कोशिश करो अपने आप को ऊपर ले जाओ मेरिट पे, ठीक है। चलो अब इंशाल्लाह पेपर के बाद मिलेंगे, आप लोग पेपर की तैयारी करो। मैम जो टेक्निक्स वाले लेक्चर है रिस्ट की और नी की, वो हम असाइनमेंट से पढ़ सकते हैं? असाइनमेंट इसीलिए तो बनवाई थी आप लोगों से कि एग्जाम से आप लोग वो सारा कुछ एक एक स्लाइड से पढ़ोगे याद करना मुश्किल होगा। तो जिसने जिस तरह की मैंने कहा था आपको याद करना आसान हो असाइनमेंट से, आपके लिए बनवाई थी उस तरह की, जिस तरह आप पढ़ते हो एक टेबल बना लो उस तरह बना लो, जिस तरह बना लो जैसे इजी लगता है उस तरह असाइनमेंट बनाओ, ताकि आपको एग्जाम में पूरा लेक्चर उसको टेबल को देखते साथ ही याद हो जाए, ठीक है। उस तरह याद करना आसान हो जाएगा पूरा लेक्चर। तो आप लोगों के लिए बनाई थी कि आप लोग एग्जाम के लिए, तो आप उधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो एक ही चीज, ठीक है। और तो कुछ नहीं, किसी ने पूछना, बंद कर दूं लेक्चर? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।